हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर तस्कीर। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, उसकी स्ट्रेटजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, बायर्स जर्नी क्या होती है। बायर्स जर्नी को हम लोगों ने बहुत डीप में समझा था कि एक बायर की ओवरऑल जर्नी क्या होती है, किस तरीके से वो स्टार्ट करता है, एक बिजनेस के टच में आता है और उसके बाद किस तरीके से वो उसका फाइनल या हम कहें जो उसका लॉयल कस्टमर है वो बनता है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ जनरल डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं एक एक्चुअल स्ट्रेटजी पे बात करूंगा किस तरीके से हम एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा मैंने विजुअलाइज किया हुआ है यहाँ पर। आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बिजनेस का टाइप मैंने लिया हुआ है रियल स्टेट रेंट बिजनेस। अब रियल स्टेट रेंट बिजनेस क्या होता है, सपोज करते हैं मैं किसी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर जॉब करता हूँ और मेरी जॉब चेंज हो रही है, मेरी जॉब सिटी चेंज हो रही है, तो मैं दूसरी सिटी में स्विच करूंगा। अब मुझे वहां पर रहने के लिए किराए पे मकान या घर चाहिए, सो मैं किसी ब्रोकर या एजेंट को कॉन्टेक्ट करूंगा कि भाई मैं तो यहाँ पर नया हूँ, मुझे यहाँ पर रहने के लिए आप मकान या घर दिला दो। तो वो लोग, वो एजेंट्स, वो ब्रोकर्स बेसिकली रियल स्टेट रेंट बिजनेसेस में होते हैं। अब मैं एज कस्टमर उनके पास जाता हूँ, सो उनकी जो कंटेंट मार्केटिंग की फनल होगी या मेरी जो जर्नी स्टार्ट होगी अवेयरनेस से, बायर की जो जर्नी अवेयरनेस से स्टार्ट होगी, वो किस तरीके से कंटेंट के थ्रू कन्वर्ट हो सकती है एक लॉयल कस्टमर में, ये हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देखेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं मैंने पूरी फनल बना रखी है, जो हमारी कंटेंट की फनल होगी, जो बायर जर्नी की फनल होगी। दूसरे साइड मैं ये बता रहा हूं कि किस टाइप का कंटेंट किस फेज पे हम दिखा सकते हैं उस कस्टमर को या उस प्रोस्पेक्ट को जो हमारा फर्दर कस्टमर बन सकता है, इस चीज को देख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और इस तरीके से रेंट बिजनेसेस को सर्च करूंगा, बहुत सारी वेबसाइट्स मुझे दिखाई देंगी, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर मैं चला जाऊं। अब यहीं से चीजें शुरू होती है। मैं किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर गया, xyz.com एक वेबसाइट थी, जो जिस तरीके का मैंने यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, जो बिजनेस का टाइप है रियल स्टेट रेंट बिजनेस, इस बिजनेस को प्रोवाइड करने वाली एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर गया, उस वेबसाइट को देखता हूँ, ठीक है। बट अभी तक मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, मैं यही देखना चाहता हूँ कि भैया रेंट बिजनेस के वेबसाइट कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये सारी चीजें। जैसे ही मैं उस वेबसाइट को देखकर, उस वेबसाइट का ओवरव्यू लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर आता हूं, मैं क्या देखता हूं, थोड़ी देर बाद या एक दिन के बाद मेरे पास एक मेल आता है जिसमें कुछ इस टाइप का कंटेंट होगा, वो या मैं कहूं कि उस मेल से फिर मैं किसी ब्लॉग के ऊपर रिडायरेक्ट होता हूं जहां पर मुझे इस टाइप का कंटेंट मिलता है, हाउ टू डिसाइड अ ग्रेट रियल स्टेट रेंट प्रोवाइडिंग फर्म कंपनी। अब मैं इसको बहुत डीप में पढ़ूंगा कि अच्छा मुझे किस तरीके से, जब मैं सिटी स्विच कर रहा हूं तो मुझे किस तरीके से एक अच्छी सर्विस कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो मुझे इस टाइप से रेंट के ऊपर वहां पर मकान दूसरे शहर में दिला सके, कि उनके क्या क्या पॉइंट्स हमको मार करने। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो ये पहला कंटेंट जो मेरे पास आया उनके द्वारा, उस कंपनी के द्वारा जिसमें मैंने विजिट तो किया था बट वहां पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने सबसे पहला कंटेंट मुझे भेजा और ये मेल के थ्रू उन्होंने भेजा, ठीक है, और मुझे बताने की कोशिश करी कि भाई ये स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी ढूंढ सकते हैं जो आपको दूसरे सिटी में रेंट पे मकान लेने में हेल्प करने वाली। टेक्स्ट बेस्ड पूरा कंटेंट था, ठीक है। इसको पढ़ के मुझे जरूर कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी, कोई ना कोई मुझे वैल्यू मिली होगी। तो ये अवेयरनेस की वही वाली स्टेज थी जहां पर इस मार्केटर ने क्या किया, मुझे अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, अब मुझे क्या हुआ कि मुझे समझ में आ गया, अच्छा ये कंपनी है और ये मुझे इस तरीके से सजेस्ट करी। मैं फिर से उसकी वेबसाइट पे गया, इस बार मैंने उसकी वेबसाइट को और अच्छी तरीके से देखा। अब मैं दूसरी किसी वेबसाइट पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि बाकी किसी ने मुझे एंगेजमेंट के लिए किसी भी तरीके से कोई मैग्नेट मेरी तरफ नहीं रखा कि मैं उस मैग्नेट से चिपक कर उनकी तरफ आऊं, बट इसने बड़ी चालाकी से मुझे मेल भेजकर वो मैग्नेट एक्टिवेट कर दिया। अब मैं उसकी वेबसाइट की तरफ चला गया, अब मैं उसकी वेबसाइट को और डीप तरीके से पढ़ रहा हूं, उसकी वेबसाइट को और समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसके प्लान्स देख रहा हूं, उसकी सर्विसेज देख रहा हूं, ये सारी चीजें देख रहा हूं। फिर मैं बाहर आ गया, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर ये सारी चीज देखकर हो सकता है मैंने कहीं नोट कर लिया हो इन चीजों को कि भाई ठीक है ये 20,000 रुपए में इस तरीके से चीजें प्रोवाइड करें या इनका जो कमीशन है वो इस तरीके से, अगर ये हमें मकान प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके से इनको कमीशन देना पड़ेगा, सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, व्हाटएवर। तो उनके पूरे प्लान्स, पॉलिसीज, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी। जैसे ही मैं फिर से वहां से वापस आता हूं, यानी कि अब तक तो मेरा मूड बन चुका है कि ऐसी किसी वेबसाइट के थ्रू मैं बिजनेस कर लूंगा और वहां से मैं रेंट पे मकान ढूंढने की हेल्प ले लूंगा।
अब जैसे मैं वहां से बाहर आता हूँ, एक सेकंड टाइप का कंटेंट मेरे पास आता है, वो भी मेल में आता है, लेकिन इस बार वो टेक्स्ट नहीं है बल्कि वीडियो कंटेंट है, जिसमें उन्होंने बताया है, टेस्टिमोनियल्स हैं उनके हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर बेस के, यानी कुछ कस्टमर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग है जो अपने बारे में बताते कि हमने इनसे ये सर्विस ली थी, इस तरीके से इन्होंने हमें घर दिलाने में हेल्प करी, किस तरीके से इन्होंने, इनका सर्विस चार्ज था किस तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हम मकान में या दूसरे घर में सेटल हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये दूसरे टाइप का कंटेंट है, दूसरे फेज में, ठीक है। अब पहले फेज में उसने मुझे ये वाला कंटेंट नहीं दिखाया, यही चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि हर फेज का कंटेंट अलग होगा, हर फेज का कंटेंट टाइप अलग होगा, हर फेज के कंटेंट का गोल अलग होगा। तो पहले वाला जो गोल था वो ये था कि इसको वापस वेबसाइट के ऊपर तो लेकर आओ, तो वहां पर मैं आया, मैंने प्लान्स पढ़े और यानी कि मैंने उसकी पूरी वेबसाइट को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब बात आई सेकेंड कंटेंट की, तो वो मुझे अपनी तरफ और खींच रहा है कि ठीक है अब मेरी सर्विसेज आप लेना चाहो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे कस्टमर्स जो हैं, हमारे कस्टमर्स का फीडबैक कैसा है, उनका टेस्टिमोनियल कैसा है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, तो मेरा और ट्रस्ट उनके ऊपर बढ़ने लगेगा। हो सकता है मेरा ट्रस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाए कि मुझे दोबारा वेबसाइट पे जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि यहीं से मैं उनकी सर्विसेज ले लूं, ठीक है। तो हो सकता है मैंने यहीं से उनको बुकिंग अमाउंट वगैरह दे दिया, उनकी चीजें हमने बुक कर ली, उनकी सर्विस बुकिंग कर ली, उनकी सर्विसेज अवेल कर ली, सब कुछ कर लिया, अभी वो हमें दूसरे शहर में जाके अब एक्चुअली शिफ्ट होना है, ठीक है। बुकिंग तो कर ली, उनको पैसा दे दिया, बहुत सेटिस्फाइड थे, उनका जो भी कन्वर्सेशन हुआ हमसे उससे हम बहुत सेटिस्फाइड थे, इन दोनों कंटेंट से भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हुए, और यही एक्चुअली वो कंटेंट थे जिनकी वजह से हमने उनकी सर्विसेज ली। अब क्या हुआ, जब बुकिंग वगैरह हो गई उनकी, सब कुछ फाइनल हो गया, मुझे वहां पर केवल जाना है। सो जाने से पहले मेरे पास एक फिर थर्ड कंटेंट आता है, यानी थर्ड मेल आता है, वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, व्हाट टू डू बिफोर लीविंग योर करेंट सिटी। अब ये कितना इंपॉर्टेंट मेल हो सकता है आप सोच नहीं सकते, ये इतना इंपॉर्टेंट मेल है कि भाई करंट सिटी अभी आप जो छोड़ रहे हो, इसको छोड़ने से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स लेने, ये क्या हो सकते हैं, आपके कुछ बिल्स हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो सकते हैं, वाटर बिल हो सकते हैं, उन सबको आपको पे करना है। सो ये एक चेकलिस्ट बना के आपको दे सकते हैं, या सोचिए अगर एक चेकलिस्ट बना के आपको दे दें कि भाई ये बिल्स बहुत मैंडेटरी है, इन बिल्स को आपको यहां से क्लियर करना, यहां से नो ड्यूज लेनी है, जब तक ये नो ड्यूज ना लें आप ये करंट सिटी ना छोड़ें, ठीक है। तो कोई भी जो भी पेपर वर्क वगैरह होता है वो सारा आपको एक इन्होंने कंटेंट में लेके दे दिया। तो कितना वैल्यूएबल कंटेंट ये प्रोवाइड करे, अभी तक केवल आपके पास तीन कंटेंट आए और बाकी जो शुरुआत में आप कंपनीज देख रहे थे वो गायब हो गई, ठीक है। कॉम्पिटिशन में थी, सर्च में वो भी आई, SEO बहुत अच्छा उन्होंने किया, सर्च में आ गई, लेकिन क्या वो आपको इंगेज कर पाई, आपको इंगेज नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उनकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमजोर थी। अब इसकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप देखो कितनी स्ट्रांग, इसकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब क्या हुआ, मैंने ये सारी चीजें भी कर ली, इससे भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो गया और बुकिंग वगैरह मैं ऑलरेडी कर चुका था, अब उनकी हेल्प लेकर मैं नए शहर में शिफ्ट भी हो गया, वहां मकान भी ले लिया, घर भी ले लिया और अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। अच्छी जो कंपनीज होती हैं, या हम कहें जो अच्छे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करते हैं, अच्छी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो यहां पर भी नहीं खत्म होती है। उसके बाद जब मैं वहां पर शिफ्ट होता हूं, वहां पर जॉब करने जाता हूं, दो तीन दिन के बाद ही मुझे एक चौथा कंटेंट आता है जो भी इन मेल है टेक्स्ट, और बताता है अदर रिसोर्सेज रिलेटेड टू द सिटी, यानी सिटी में एयरपोर्ट कहां पर है, रेलवे स्टेशन कहां पर है, आपको जहां पर मकान दिलाया है उस लोकेलिटी में पार्क कहां पर है, जिम कहां पर है, कौन कौन से मॉल्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, वीकेंड्स में कहां जाना है। सो कितनी आप देख रहे हैं कितना पावरफुल कंटेंट हो सकता है ये। स्टार्टिंग से देखिए, फर्स्ट कंटेंट से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अभी तक आपको वैल्यू मिलती जा रही है, आपका ट्रस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो आप एक कस्टमर नहीं रहे, आप एक बहुत अच्छे कस्टमर हो चुके हैं उसके लिए, कितनी वैल्यूएबल चीजें वो आपको दे रहा है थ्रू इट्स कंटेंट। उसके बाद फिर पांचवा कंटेंट आपको मिलता है जिसमें वो आपको ऑफर्स दे रहा है, काइंड ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के ऊपर कुछ आपको इंसेंटिव, या मैं कहूँ रेफरेंसेस के ऊपर कुछ आपको ऑफर्स दे रहा है कि भाई अगर कोई और आपका फ्रेंड या फैमिली वाला हमारी सर्विसेज लेना चाहता है, दूसरे शहर में भी हमारी सर्विसेज हैं, तो हम आपको उसके कमीशन का कुछ परसेंटेज देंगे। तो यहां पर आपकी लॉयलिटी चेक होती है कि आप वास्तव में लॉयल हुए कि नहीं हुए, आपको इतना कंटेंट उसने दिया, इस कंटेंट की वैल्यू आपने समझी या नहीं समझी। अगर आप समझेंगे तो रेफरेंसेस जरूर देंगे, भाई मुझे इतना फायदा हुआ, अगर मैं किसी को रेफरेंस दूंगा तो उसे कितना ज्यादा फायदा होगा। तो आप देख रहे हो एक ही कस्टमर के थ्रू वो दूसरा कस्टमर बना रहे हैं, और क्या किया, ये कंटेंट तैयार किया।
सो ऐसे सिनेरियोज आप सोच सकते हैं, ऐसे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप सोच सकते हैं, ऐसे ही कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती है। उन्होंने नया पैसा नहीं लगाया कि उनको नया कस्टमर बनाना है, तो उसके लिए वो फिर से पैसा शुरुआत से इनपुट करना शुरू करें, फिर से पैसा डालना शुरू करें, ये उन्होंने नहीं किया। बल्कि जो उनका ऑलरेडी कस्टमर है, रिटेन्ड कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, उसी के थ्रू वो नया कस्टमर बेस बना रहे हैं, तो अपनी कॉस्ट भी कम कर रहे हैं और कस्टमर बेस भी एक्वायर करते जा रहे हैं। तो ये होती है एक्चुअल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या हम कहें ये होती है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की पावर। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे किसी और नई कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। टिल देन अ वेरी गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।